नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनटीपीसी यानी कि पिछले एनटीपीसी हुए एग्ज़ाम में कितने कट ऑफ रहे थे, किस किस जोन में कितना कट ऑफ रहा और सबसे कम कट ऑफ किस जोन का रहा। चलिए आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस जोन में कितना कट ऑफ रहा था। जनरल, ओबीसी और एससी का भी मैं चारों का कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने में बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला है गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी का जो कट ऑफ रहा था फ्रेंड्स पिछले ईयर, तो ये रहा था 66.44, ठीक है, जनरल का रहा था। ओबीसी की बात की जाए तो 57.11, यानी कि 57 के आसपास रहा था। अगला है फ्रेंड्स एससी, तो एससी का है 53.5 आसपास, ठीक है, 53.5 है। और एसटी का है 52.91, यानी कि लगभग 53 है, ठीक है। तो इस तरह का जो है गुवाहाटी का कट ऑफ रहा था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मालदा का, ठीक है। मालदा का कट ऑफ रहा था फ्रेंड्स जनरल के लिए 61.87, यानी कि 62 रहा था लगभग, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी का रहा था 48.42, ठीक है। और एससी का रहा था 43.11, वहीं एसटी का रहा था 89, ठीक है। तो इस तरह जो है मालदा का कट ऑफ रहा था। चलिए आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर का। तो मुजफ्फरपुर का फ्रेंड सबसे कम रहा था, जनरल के लिए रहा था फ्रेंड 57.97, यानी कि 58 के आसपास रहा था। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 45.5 के आसपास रहा था। एससी की बात की जाए तो 30 के आसपास रहा था। और एसटी की बात की जाए तो 25 के आसपास रहा था। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में सबसे कम कट ऑफ रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे है फ्रेंड्स सिलीगुड़ी, ठीक है। तो सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ रहा था फ्रेंड्स जनरल के लिए लगभग 67.5 रहा था, ओबीसी के लिए लगभग 56.5 रहा था। आगे एससी एससी के लिए 54.5 रहा था। वहीं अगर एसटी की बात की जाए तो लगभग 46 रहा था, ठीक है। चलिए रांची की बात किया तो फ्रेंड्स रांची का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था जनरल के लिए लगभग 64, ओबीसी के लिए 57.5, एससी के लिए 45.5 और एसटी के लिए 42.5 के आसपास रहा था कट ऑफ। चलिए आगे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है बिलासपुर का कट ऑफ। तो बिलासपुर में देख लेते हैं फ्रेंड्स, बिलासपुर लगभग 69 के लगभग जनरल में रहा था कट ऑफ, ओबीसी के लिए लगभग 61 का रहा था, एससी के लिए फ्रेंड्स 51.5 के आसपास रहा था। और वहीं एसटी की बात किया तो 50 के आसपास रहा था बिलासपुर में कट ऑफ एनटीपीसी के लिए। अगला है फ्रेंड्स, अगला है बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर के लिए जो कट ऑफ रहा था फ्रेंड्स जनरल के लिए लगभग 65 रहा था, ठीक है, 65 रहा था। और ओबीसी के लिए रहा था फ्रेंड्स 57.28, करीबन 57.57 के आसपास रहा था। एससी है फ्रेंड्स एससी के लिए 30.10 रहा था, यानी कि 30 के आसपास रहा था। वहीं एसटी की बात की जाए तो 29 के आसपास रहा था बेंगलोर में कट ऑफ एनटीपीसी के लिए, ठीक है। चलिए अगला भी जोन हम लोग देख लें, अगला जोन है फ्रेंड्स चंडीगढ़। तो सबसे हाई जो गया था फ्रेंड्स वो गया था चंडीगढ़ में ही। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था 82.10, यानी कि 82.27, लगभग 82.5 के आसपास गया था, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए फ्रेंड्स तो ओबीसी में गया था 71.47, यानी कि 71.5 के आसपास। एससी की बात की जाए तो एससी के लिए 71.87 गया था। और एसटी की बात की जाए तो 46.71 के आसपास गया था चंडीगढ़ का, ठीक है, कट ऑफ। चलिए जम्मू का भी कट ऑफ देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसका है फ्रेंड्स 68.72, यानी कि 69 के आसपास रहा था जनरल में। अगला है ओबीसी, ओबीसी जो 51 के आसपास रहा था। एससी के लिए बात की जाए तो फ्रेंड्स 52.5 के आसपास रहा था। वहीं एसटी के लिए बात की जाए तो फ्रेंड्स 38 के आसपास रहा था जम्मू में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला है तिरुवनंतपुरम का, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम में जनरल का रहा था फ्रेंड्स लगभग 80 के आसपास, ओबीसी का 75 के आसपास, और एसटी का, एससी का जो रहा था फ्रेंड्स एससी का रहा था 56 के आसपास, और एसटी का रहा था फ्रेंड्स 36, यानी कि 36.5 के आसपास रहा था, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स भोपाल का कट ऑफ, ठीक है। तो भोपाल का फ्रेंड्स 72.90, यानी कि 73 के आसपास रहा था। ओबीसी की बात किया तो 66.5 के आसपास, एससी की बात किया तो यही लगभग 56.5 के आसपास, और एसटी की बात की जाए तो 51.16, यानी कि 51 के आसपास था। चलिए भोपाल का हो गया, पटना का भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, पटना जोन का। तो पटना जोन में फ्रेंड्स जनरल का रहा था लगभग 63 के आसपास, ओबीसी का रहा था 53.53 के आसपास, एससी की बात किया तो 38.5 के आसपास रहा था, और एसटी की बात किया तो ये रहा था 26.5 के आसपास, ठीक है। ये पटना का कटअप था। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है फ्रेंड्स सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का जो कटअप रहा था फ्रेंड्स जनरल के लिए वो 77.72 रहा था, ओबीसी के लिए 72.87 रहा था, एससी के लिए 63.73 रहा था, और एसटी के लिए 59.13 रहा था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कट ऑफ, अगला अहमदाबाद का कट ऑफ। तो अहमदाबाद का जो जनरल के लिए कट ऑफ रहा था 72.86, ओबीसी के लिए रहा था 64.91, और एससी के लिए रहा था 57.23, और वहीं बात की जाए एसटी के लिए तो एसटी के लिए रहा था 48.10। ये अहमदाबाद का कट ऑफ था।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स भुवनेश्वर का कटअप। मैं सभी कटअप यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो फटाफट देख लीजिए आप। जनरल जनरल के लिए रहा था 71.91 भुवनेश्वर में, OBC के लिए रहा था 65.76, SC की बात की जाए तो 53.09 और ST की बात की जाए तो 48.79। ठीक है, चलिए अगला मुंबई का भी कटअप देख लेते हैं। मुंबई का कटअप है फ्रेंड्स जनरल के लिए 77.49, OBC के लिए 70.21, SC के लिए रहा था 63.60 और ST के लिए रहा था 54.95। ठीक है, ये मुंबई का कटअप रहा था। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला कटअप है कोलकाता का। कोलकाता का 7950, OBC का है 71.53, अगला है 67.07 SC का, ST का है 52.92, ठीक है लगभग 53 के आसपास रहा था। चलिए चेन्नई का भी हम लोग बात कर लेते हैं। चेन्नई का जो है जनरल के लिए रहा था 72.14, OBC के लिए रहा था 69.11, SC के लिए रहा था 57.67, वहीं ST की बात किया है तो 46.84 के करीब में रहा था चेन्नई का कटअप। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद के लिए फ्रेंड्स 77.49 जनरल का, OBC के लिए 70.47, वहीं SC की बात की जाए तो 62.85 और ST के लिए 47.02 कटअप रहा था। चलिए अगला देख लेते हैं गोरखपुर का कटअप। गोरखपुर का कटअप है फ्रेंड्स जनरल के लिए 77.43, OBC के लिए 69.01 और SC के लिए 56.63 और ST के लिए 47.67। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स अजमेर का कटअप। ठीक है, अजमेर का कटअप जो जनरल के लिए रहा था फ्रेंड्स 77.39, OBC के लिए 70.93, SC के लिए 62.13 और 59.74 ST के लिए रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो आपको सभी कटअप मैंने आपको बताया, जो भी कटअप जोन में गया था ये पिछले ईयर का था NTPC का, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और जितना भी मैंने बताया आपको हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दिए ताकि आगे बच्चों को भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।